ये हमारा जो यूनिट वेक्टर है, इसको हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। क्यों इम्पोर्टेंट रोल होता है इसको देखते हैं। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच हमारा क्या एंगल बनेगा? एक एंगल ये बनता है थीटा, और दूसरा एंगल जो बनेगा हमारा वो एंगल है ये वाला एंगल दोनों के बीच। तो ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल। ये अगर थीटा है देन दिस एंगल विल बी 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको जो है, इसीलिए हम लोग जब ये प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं दो वेक्टर के लिए। अब इसमें क्या है कि ये क्या है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, एंड बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है इस दोनों के बीच। और ये क्या है, ये है एक यूनिट वेक्टर है। ये जो है कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ये जो है परपेंडिकुलर, ये कैसे होगा यूनिट वेक्टर? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बार हाँ ए एंड बी वेक्टर को कंटेन करता हुआ जो वेक्टर प्लेन बनेगा उसके प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन है, ये बताता है ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वो डायरेक्शन बताता है। अब इसमें अगर दो वेक्टर मान लिया जाए हमारे पास, ऐसा हो कि अगर ये दोनों वेक्टर अगर हमारे पास अगर एक दूसरे के साथ एंगल मान लो थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, यानी एक वेक्टर इधर है और दूसरा भी किधर है, इधर ही है, ए इधर है और बी भी इधर ही है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए बी साइन जीरो। साइन 0, तो ये भी ये हो जाएगा 0। अगर ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो जाए, ये भी हो सकता है कि एक ऐसे हो एक ऐसे हो, तो ये 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये ए है ये बी है। तो इसमें जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जब इसका एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाए, तो इस केस में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? अगर थीटा हमारे पास 180 हो जाए, -AD ए बी साइन 180 ये भी 0 हो जाएगा, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। तो दोनों के केस में हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका क्या मतलब हुआ? इससे हमको ये निकला कि टू पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, टू पैरेलल वेक्टर वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर वेक्टर्स हैव 0 डॉट प्रोडक्ट, 0 क्रॉस प्रोडक्ट, 0 क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान लो कि कोई अगर ऐसा पूछता क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी जो है ये इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात होती, तो यहाँ ए बी और साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर अब लगाने की जरूरत नहीं है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया गया तो वो इतना ही, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है ये रहेगा। अगर ए क्रॉस बी है सिर्फ, अगर ऐसा है ए क्रॉस बी है, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा एंड यहाँ पे एक
यूनिट वेक्टर, ये दोनों का डिफरेंस है। यहाँ ए क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ द वेक्टर ए, एंड बी क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है। अब ये जो इसमें जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए कुछ रूल होता है कि कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए, जस्ट डायरेक्शन जो हमको निकालना है वेक्टर का, तो उसके लिए रूल है, बहुत सारे रूल होते हैं। थंब रूल है, उसके बाद जो है आपका क्रिएटर स्क्रू का ये करने वाला रूल है। तो यहाँ मुझे जो है ये निकालना है, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। एक तो ये यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, एक मैथमेटिकल भी बताएंगे कैसे पता करते हैं। मान लिया दो वेक्टर हमारे पास ऐसे हैं, ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसा है। तो मुझे अगर ए से बी क्रॉस निकालना है, ए से बी की तरफ निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये क्या करेंगे, राइट हैंड है, ये राइट हैंड थंब रूल कहलाता है, राइट हैंड थंब रूल इसको कहते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कि एक की तरफ इसको हाथ को ये बिल्कुल ऐसे खड़ा करते हैं, राइट हैंड को तुम कर सकते हो अपने, इसको खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि इस ए पे ये वाला जो नीचे वाला जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है उंगली है, इसको सटाते हैं यहाँ पर, और इस पूरे उंगली को बी के तरफ मोड़ते हैं, ऐसे जो इसमें दिखा रहा है, ए से बी के तरफ ऐसे मोल्ड किया गया, फोल्ड किया गया। तो ए से बी की तरफ जब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो ये अंगूठा जिधर मेरा होगा, ये थंब जिधर होगा, वही हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ हो गया, ए क्रॉस बी का मतलब हो गया ये ऊपर की तरफ हो गया। अब अगर अपने से सोचना है कि बी क्रॉस ये किधर होगा, तो बी से ए की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा, तो ये हाथ जो है ना इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको जो है नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो B से A के तरफ जब जाएंगे, B क्रॉस A करेंगे, तो इसका डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड हो जाएगा और इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसीलिए A क्रॉस B जो है ये नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A के, ये इक्वल नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी जो जिसके वजह से ये नहीं इक्वल होता है, इसको क्या कहते हैं, ये नॉन कम्यूटेटिव है, नॉन कम्यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जबकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ये नॉन कम्यूटेटिव है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल करना पड़ेगा तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तब दोनों जो है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरा भी ये क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, क्रॉस है, बी प्लस सी है, और इसको अगर लिखा जाए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस जो है इसको अगर हम नहीं, ये तो हो जाएगा, एक्चुअली हमको कुछ जस्ट इसको मिटाते हैं, ये हाँ ये वाला जो है मुझे यहाँ डॉट नहीं, ये मुझे प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे मुझे क्रॉस देना है, ये वाला डॉट, ये वाला जो जगह है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो ये वाला जो है एक, ये इसको हटा दो, ये जो है ये ऐसा है, तो ये जो है ए क्रॉस बी और क्रॉस सी जो वेक्टर है ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये जो है इसको जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ये नॉट फॉलो, नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट करता है फॉलो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब इसका जो है कि हम आगे एग्जांपल जब देखेंगे तो उस पे हम बताएंगे कि ए क्रॉस और ये बी क्रॉस सी विच इज नॉट इक्वल टू
ए क्रॉस बी एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी ये इक्वल नहीं होता है। इसको जो है हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। अब इसको समझने के लिए, जैसे पहले डॉट प्रोडक्ट में समझे थे आई डॉट आई, उसी तरह से यहाँ अगर आई क्रॉस आई निकालना हो तो क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन इंटू वन इंटू साइन कितना हो जाएगा, जीरो। आई और आई के बीच एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, ये जे का मैग्नीट्यूड वन इंटू साइन जीरो, इट विल बी जीरो। उसी तरह से के क्रॉस के क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी इसमें लाइक का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में लाइक का लिखे थे, इसका कंपेरिजन भी यहाँ कर दें, अगर आई डॉट आई क्या होता है, ये होता है वन, जे डॉट जे क्या होता है, वन, यहाँ जे डॉट जे जो है ये वन होता है, एंड के डॉट के जो है ये भी वन होता है। तो ये आपका जो है डॉट प्रोडक्ट का है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का है। अब बच गया आई क्रॉस जे। अब ये मतलब लाइक टर्म नहीं है, आई और आई नहीं है, अब आई जे के साथ हो गया, तो क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड वन इंटू जे का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वो भी वन, इंटू साइन 90। आई और जे के बीच एंगल कितना होता है, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई जो कि आई और जे के परपेंडिकुलर होगा, तो आई और जे का परपेंडिकुलर कौन होता है, के होता है, ठीक होता है, ये इधर आई है, इधर जे है, और ये के है, तो ये के परपेंडिकुलर होता है, आई और जे दोनों के ये परपेंडिकुलर होता है के, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के हो जाएगा, सो इट विल बी के। यानी आई क्रॉस जे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये थोड़ा सा मेमोरी में रखना पड़ेगा, आई क्रॉस जे जो है ये के हो जाता है, कैसे हो जाता है ये मैंने बता दिया। अब इसको याद करने का एक तरीका होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में एक सर्किल बना दिया जाए, एक सर्किल ऐसे बनाते हैं, और इसमें जो है क्या करते हैं, यहाँ मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये आई, ये मान लो जे है, और ये मान लो के है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लेते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज जो मेजरमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो हमारी जो घड़ी है जो दीवार पे होती है उसका जो डायरेक्शन है डिजिटल नहीं, एनालॉग घड़ी का, तो जिस डायरेक्शन में वो चलती है उसके उल्टे डायरेक्शन को ले लेना है, तो उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अब यहाँ से सिंपल याद करना है, ये आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे, तो ये बच क्या गया के, यहाँ से आई से जे चले तो के मिल गया। अब जो है कि जे से के चलो तो ये मिल जाएगा आई, जे से के चले तो ये आई मिल गया, फिर के क्रॉस आई कहो तो ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव वाला सेंस ये मिल गया। अब इसके निगेटिव वाला सेंस भी देख सकते हैं, निगेटिव कैसे होगा, ये सारा मैंने एंटी क्लॉकवाइज चला, आई से जे से के से आई। अब इस पे कुछ भी अपने मन से लिख दो, के क्रॉस आई लिख दो, के क्रॉस आई तो है, के क्रॉस जे लिख, यहाँ के है इधर जाना है जे, यानी कि अब क्लॉकवाइज चलने लगे, ये क्लॉकवाइज हो गया तो माइनस आई। उसी तरह से अगर हम आई क्रॉस के लिखते, आई क्रॉस के, आई से के तरफ क्लॉकवाइज हो गया तो ये लिख देंगे माइनस जे, ये हो गया आई क्रॉस के हो गया, यहाँ के क्रॉस आई था, अब एक बच गया कौन सा है, आई क्रॉस जे क्रॉस आई कर, जे क्रॉस आई, ये जे से आई ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये माइनस के, ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये जो है याद भी करने की जरूरत नहीं है, आई जे के लिख देना, ये जो है आई जे
और के लिख देना सिंपल वे में, और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं किसी भी दो का प्रोडक्ट, जे के होगा तो आई हो गया, आई जे होगा तो के हो गया, के आई होगा तो ये जे हो जाएगा, इसका उल्टा अगर मिल रहा है तो ये निगेटिव वे लिख देंगे, इतना ही इसमें करते हैं। अब इसको समझने के लिए जब तक कुछ न्यूमेरिकल नहीं बनता है तब तक जो है बात क्लियर नहीं होती है। तो इस पर जो है न्यूमेरिकल, अब इसमें जो है अब कुछ मैट्रिक्स मेथड से भी बताएंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन उससे पहले जो है कि अब देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है जो है कि मान लो कि अगर आपके पास दो वेक्टर हो, सपोज करो जस्ट, तो ये हमारा एक ये क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या कह रहा है, द वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, यानी वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट है, एंड बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, बी के पास जो मैग्नीट्यूड है विच इज 6 यूनिट, सर पाई बाय सिक्स फाइव बाई सिक्स 30 डिग्रीज 30 डिग्री ना, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, और बी का मैग्नीट्यूड ये है, एंड हैज ए प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट, यानी ए और बी के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रहा है, 15 यूनिट है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी अभी हम लोग जो डेफिनेशन देखे हैं ये ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा है, यही है ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, यहाँ भी यूनिट वेक्टर देने की जरूरत ही नहीं है, तो ये दे रखा है 15, और उसके बाद जो है ये एक दे रखा है 5, इंटू दे रखा है 6, इंटू दे रखा है साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 15/30, यही है। अब देखो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि थीटा विल बी 30 डिग्री, बट एक चीज इसमें और भी रहेगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड 150 डिग्री ऑल्सो, क्यों, क्योंकि साइन जो है 150 डिग्री भी 1/2 होता है और 30 डिग्री भी 1/2 होता है, तो अगर चॉइस में कभी मान लो अगर ये 30 न दे करके अगर उसमें सिर्फ 150 डिग्री दे दे तो ये नहीं समझना कि ये आंसर गलत है, क्योंकि साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 1/2 ही होता है साइन के केस में, इसलिए मैंने कहा है कि आपको हम एक दिन मैथमेटिक्स भी और पढ़ाएंगे, अभी हम मैथमेटिक्स अभी हम शुरू करेंगे पढ़ाना है, तो ये हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये। अब दो वेक्टर अगर दे दिया रहे तो उसका भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, मान लो कि दो वेक्टर हमारे पास अगर सिंपल छोटा सा हम दो वेक्टर ले लेते हैं, सपोज करो ए इक्वल टू हमारे पास 2i+3j ले लिया, और बी मान लो मैंने ले लिया ये मान लो -2i+j कर दिया, k को मैंने हटा दिया इस, या लिख दो k भी लिख दो k+1 या 2k लिख दो, रैंडमली कोई भी वैल्यू, अब मुझे इस क्वेश्चन में कहता कि आप जो है फाइंड करिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये निकाल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है निकालने का अभी तो हम जनरल मेथड आज बताएंगे, फिर उसके बाद एक और मेथड बताएंगे जिसको मैट्रिसेस मेथड भी कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी हम इसको बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि इसको ए क्रॉस बी, अब क्या करना है, पहले ए का वैल्यू लिख दो और बी का वैल्यू लिख दो और दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, तो ए का वैल्यू हमारे पास है 2i+3j+k एंड क्रॉस प्रोडक्ट -2i-j+2k, ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तीसरे से, तो अब हर बार अब लिखने की जरूरत नहीं है, इस 2 को यहाँ भी क्या है 2 ही है, -2 है, तो i और i का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो पहले वाले का लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया,
इसका अब इसमें जे से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, और आई क्रॉस जे यहाँ पे इसको बना लेना है डायग्राम को ऐसे, ये आई है, ये है जे है, एंड ये क्या है, के है, तो ये आई क्रॉस जे करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो ये 2K हो जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा 2i इंटू -j तो ये -2K हो जाएगा। अब इसका फिर तीसरे से आते हैं, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो गया, अभी इसको हम +4 लिख देते हैं, और आई क्रॉस के, यहाँ देखो आई है क्रॉस के है, तो क्या हो जाएगा, ये -j हो जाएगा, उल्टा चल रहा है ना, ये आई क्रॉस के करेंगे तो ये -j हो जाएगा। अब इसका हमने तीनों के साथ प्रोडक्ट लिख दिया, फिर आएंगे अब इस जे वाले टर्म का, तो जे का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो प्लस है तो प्लस ही लिख देते हैं, 3 इंटू 2 करेंगे तो -6, उसके बाद जे क्रॉस आई, ये जे है और आई है इधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ये -K हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो किसका कर दिया मैंने, किसका कर दिया, जे पहला टर्म ही किया है अभी, जे और जे का क्रॉस प्रोडक्ट इससे इससे कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जे का इसके साथ के का, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे 6, और जे क्रॉस के, ये है जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये पॉजिटिव आई हो गया, ये 2 टर्म का मैंने कर दिया, तीसरा टर्म अभी एक बच गया अभी, और तो तीसरा टर्म हमारा कौन सा है, थर्ड टर्म इज के को अभी सबसे मल्टीप्लाई करो, तो के का इससे करोगे मल्टीप्लाई तो अभी हम प्लस ही लिखते हैं, 1 इंटू -2 करोगे तो ये -2, और के क्रॉस आई, ये के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, +j हो जाएगा। उसके बाद इस के का इसके साथ के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे करोगे तो कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे -1 है, इंटू हो गया, -i हो गया। अब के का के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब क्या करना है, लाइक वेक्टर्स जो हैं, जैसे आई का आई के साथ ऐड करो, जे का जे के साथ, और के का के के साथ, तो सबसे पहले आई वाला तलाशो, आई वाला कहाँ कहाँ है, तो आई वाला हम देखते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 मिला आई वाला, तो यहाँ पे 6 आई और यहाँ पे +1 आई है, तो ये हो गया 7 आई। अब जे वाला तलाशो, तो जे हमारे पास कहाँ है, एक यहाँ है -4j और एक है -2j, तो ये -6j हो जाएगा। अब के वाला तलाशो, यहाँ पे -2k है और यहाँ पे +6k है, तो ये क्या हो जाएगा, +4k हो जाएगा, यानी a क्रॉस b हमारे पास निकल के आ गया 7i -6j +4k, रूट अब 101 आ गया ना, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, a क्रॉस b विल बी इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है बेटा बताओ, कितना आ रहा है, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 49, तो 49 प्लस 36 प्लस 16, इस सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 6 और 6 12 और 9 21, कैरी 1 हो 2 हो गया, 2 1 3 और 3 6 101, गुड, सो 101 ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका अप्रोक्सीमेटली में अगर वैल्यू आएगा तो कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 2 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो ये जितने भी वेक्टर्स के लिए जो भी कंडीशन था हमने सारा चीज़ें इसमें डिस्कस कर लिया है। अब आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस।